हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलो आज एक कॉमन प्रॉब्लम है जो अच्छे से समझा देता हूँ। जो कॉमन प्रॉब्लम होता है इसका वीडियो बहुत सारा है यूट्यूब में, सभी चैनल में। जो भी यूट्यूब क्रिएटर है जो वीडियो बनाते हैं, सारे के पास ये प्रॉब्लम का सलूशन होता है, एक ना एक वीडियो मिलेगा। पर फिर भी मैं छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और जो मेरे साथ जुड़े हो वो तो डेफिनेटली सीख जाए ये प्रॉब्लम। तो देखो, ये गीगाबाइट का ये है, इसका मॉडल नंबर GA861S1, ये रिविजन 3.0। तो पहले ही बोल देता हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बैकग्राउंड साउंड में, क्योंकि यहाँ पर टेनिस चल रहा है, जो बैडमिंटन, तो चलेगा, 12 बजे तक चलेगा। अभी तो सिर्फ 10 PM हुआ है। तो चलो प्रॉब्लम को पहले एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा आसपास में साउंड आएगा पर एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है? पर अभी मैं लेट कर दिया तो बहुत काम है, तो फिर ये वीडियो क्रिएट नहीं होगा। तो अभी देखो 2016 चल रहा है अभी, तो ये मैंने SMPS डाल दिया और एक डिबग कार्ड डाल देता हूँ, और इसका जो है पावर मैंने दे दिया। अब देखो PSON इसका आ चुका है, अब ध्यान से देखो, और वीडियो छोटा सा होने वाला है पर ध्यान से देखना, स्किप मत करना। अगर ये केस आपके पास आ जाए तो नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये नो पावर केसेस में है। तो देखो, टिगर किया, थोड़ा सा चल के ऑफ हुआ, फिर से मैं टिगर कर रहा हूँ, देखो ये थोड़ा सा चला, डिबग कार्ड में थोड़ा सा लाइट आया, बंद हो गया, ये देखो सेम। तो इस टाइप के केसेस में दो तरह का सलूशन होता है, प्रॉब्लम तो तीन चार तरह का होता है पर सलूशन दो तरह का है, पर आपको बस फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये अभी मैंने खोला भी नहीं है, ये कस्टमर का बोर्ड है, तो इसे पहले मैं ये हटा देता हूँ। CPU जो फैन है, CPU फैन को पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? ये ठीक से उठा नहीं है, तो CPU फैन को हटा दिया, और यहाँ पर CPU पे आसपास में थोड़ा बहुत बहुत सारा डस्ट वगैरह है, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। लेकिन अभी भी खोला नहीं हूँ मैं, ओपन नहीं किया, तो चलो हटा देता हूँ मैं साइट में लेके। चलो क्लीन कर दिया। तो अभी देखो, पहले आपको बस CPU को एक बार सिंपली निकाल लेना है और ऐसे लगाना है, और एक बार पहले आपको बस चेक कर लेना है मल्टीमीटर पे जाके, बजर मोड पे रखिएगा आप, और कंटिन्यूटी मोड, जो भी जो बोलते हैं, इस मोड का बहुत सारा नाम है। तो 0L, 0L दैट मीन्स OL, ओपन लूप, इसका मतलब होता है ओपन लूप। अगर आपका ओपन मतलब खुला और लूप मतलब, ये कंप्यूटर साइंस में इसे वो ये कहता है, जो अगर 0L है तो आपका रास्ता क्लियर है। पर इसका मतलब कुछ कुछ लोग कुछ बोलते हैं, पर मैंने देखा वो रॉन्ग है, पर बोलते हैं ओवरलोड, ये ओवरलोड फोर्ट कुछ नहीं होता है, पर ओपन लूप है। बस आपको सिंपली देख लेना है CPU को हटा के, ये जो VRM का 4 पिन है यहाँ पर क्रॉस चेक करना है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ओपन लूप है, और एक बार क्रॉस चेक करना है, 0 आने के बाद ओपन लूप, मतलब VRM सेक्शन में कुछ भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ रीडिंग आता और कंटिन्यूटी आता, थोड़ा बहुत रीडिंग आ जाता, तो ये बड़ा वाला जो पेपर कैपेसिटर है, ये इनमें से कई एक खराब होने पर भी रीडिंग आता है, और मॉस्फेट वगैरह खराब होने पर भी रीडिंग आता है। अगर 0L आ रहा है तो आपका 61 ये सीरीज के मदरबोर्ड में, अगर यहाँ पर 0L आ रहा है, ओपन लूप आ रहा है, तो आपको समझना है VRM सेक्शन में आपका शॉर्टिंग नहीं है, या तो PWM IC भी खराब नहीं है आपका। तो चलो इसे हटा देते हैं। तो देखो इसका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से जनरेट होता है ये 61 में, अभी थोड़ा सा देख लो वीडियो को अच्छे से। तो देखो इसे LM324, ये 324 है ना, LM324, ये भी एक PWM IC है, जो कन्वर्टर IC है। तो आपको बस चेक करना है, ऐसे बोर्ड को रखना है, और
इधर से एक नंबर पिन काउंट होता है, देख सकते हो। तो इधर में 7, 8, 9, 10, 10 नंबर पिन इसका जो होता है। इसमें 0.70 से लेके 98-99 तक वोल्टेज आपको मिलना चाहिए और कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वो ही हम चेक करेंगे। अगर इसका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है तो क्या करना है, और कांस्टेंट है तो भी क्या करना है इस सिचुएशन में जो बोर्ड में थोड़ा सा चल के ऑफ हो रहा है। तो अभी वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारा लोग इधर उधर से हटा के बोर्ड सॉल्व करके वीडियो बना देता है, पर एक्सप्लेन करना भी चाहिए क्योंकि क्यों होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहिए, नहीं तो जो भी बंदा काम करेगा उखड़ के फेंक ही देगा। तो पिछले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जो 250 सीरीज का है, तो ये इस बोर्ड का ट्रिक किसी ने देखा यूट्यूब में और सारा का सारा रिमूव करके फेंक दिया, वो लगाया भी नहीं, काम तो बना नहीं। पर यहाँ पर उस बोर्ड में जो है पिछले वीडियो में देख लेना, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर होता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप मॉस्फेट के जगह पे ट्रांजिस्टर उखाड़ के फेंक दोगे तो बोर्ड थोड़ी ना चलेगा। मॉस्फेट हुआ ठीक है चलो। तो देखो अभी मल्टीमीटर पे आना है और डीसी 20 पे जाना है, सेट करना है। डीसी 20 पे सेट करने के बाद आपको एक डिबग कार्ड डालता हूँ ताकि पता चले बोर्ड में पावर है। ऑलरेडी पावर मैंने दे के रखा है। अब देखो एक को मैंने यहाँ पर ग्राउंड करना है, मुझे मैं ग्राउंड कर दिया और 10 नंबर पिन पे मुझे बस देखना है कि इसका वोल्टेज कांस्टेंट है कि नहीं। देखो स्विचिंग से पहले जो वोल्टेज रहेगा ये 10 नंबर पिन में, स्विचिंग करने के साथ भी वही वोल्टेज रहना चाहिए। 1, 2, 3 वोल्टेज फ्लक्चुएट हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फटक से 0 हो जाना या फिर 10-20 कम हो जाना तो फिर कुछ अलग रीज़न है, वो भी मैं शेयर करता हूँ। पर मैंने भी ये बोर्ड देखा नहीं पहले, बस एक्सपीरियंस के हिसाब से डेस्क पे लाया और काम कर रहा हूँ, बस ऐसे पहले देखा कि थोड़ा सा चल के ऑफ हो रहा बस। ठीक है तो देखो अभी यहाँ पर देखो 0.93 वोल्टेज अवेलेबल है, तो अभी मैं इसको टिगर कर रहा हूँ। टिगर करने के साथ साथ 92 पे आया है, अब 93 हो गया है। तो इसका मतलब क्या बना है अभी मैं समझा देता हूँ, इसे और एक बार देख लो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर जब भी 10 नंबर पिन पे मैंने डाला तो 92 वोल्टेज है, ठीक है। तो जब भी मैंने ट्रिगर किया बोर्ड को 93 हुआ, तो फ्लक्चुएशन 2, 3, 5 वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा कम हो सकता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये ट्रिगर करने के साथ थोड़ा सा मल्टीमीटर पे चले जाओ, 93 है, अब देखो 92 आ गया है। यहाँ पर लाइट भी डिबग कार्ड का लाइट भी चला गया है, LED तो PS ऑन है। तो अभी देखो थोड़ा सा समझ लो, समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर कौन सा MOSFET क्यू रिमूव करना है और चेंज करना है, कौन सा ट्रांजिस्टर चेंज करना है, तो समझ लो ऐसे बोर्ड को रखो। देखो अगर यहाँ पर 10 नंबर पिन पे LM324 में ट्रिगर करने के साथ ही वोल्टेज 0 हो रहा है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा मतलब आधा आधा कम ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपको ये वाला जो MOSFET है इसे रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर रिमूव करना पड़ेगा, इसके वजह से होता है ये। और ये जो बोर्ड का कंडीशन है, ये वोल्टेज तो सही है पर फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है ज़्यादा, 1 वोल्टेज हो रहा है, 1 मिली वोल्ट हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको ये सेकेंड वाला जो MOSFET है इसे रिमूव करना है या फिर चेंज करना है। तो इसका मॉडल नंबर भी मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, सेम ही मिलेगा सारा सेम बोर्ड में। तो WCM ये जो ऊपर का रहेगा आपका, ऊपर का वोल्टेज रहेगा WCM 30 रहेगा, और इसके नीचे रहेगा WIP 30 या फिर 36, अच्छे से दिख नहीं रहा है मुझे, WIP 30। तो आपको अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसे भी रिमूव करना है और इसे भी रिमूव करना है, दोनों को ही रिमूव करना है, तो फिर आपका बोर्ड चलेगा। और अगर इस बोर्ड की तरह प्रॉब्लम है, ट्रिगर करने के बाद भी कोई भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं है, तो आपको ये वाला MOSFET जो है इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बीज वाला जो MOSFET है इसको आप रिमूव कर सकते हो या फिर रिप्लेस कर सकते हो। तो देखो
और भी पास से देख लो, अभी भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये फ्रेश बोर्ड है, फर्स्ट टाइम सर्विस हो रहा है इस बोर्ड का, देख सकते हो इजीली क्लियर। कंपनी का जो एसआईन है ऐसा ही है, ठीक है। तो अभी देखो मैं एसएमडी को ऑन कर रहा हूँ और ये सेकेंड वाला हम जो मॉसफेट है इसे बोर्ड से रिमूव करेंगे और देखेंगे बोर्ड का स्टेटस क्या है। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आता है तो फास्ट वाला भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये मॉसफेट अगर आपके पास है तो ये एक तरह का प्रोडक्शन होता है जो इससे LM324 का 10 नंबर पिन पे वोल्टेज जाता है, उसके बाद जाके आपका ये जो PWM IC ये एक्टिव होता है। उसके बाद इसका VRM जनरेट होने के बाद कोर बनता है, VDD बनता है, उसके बाद जाके CPU में पावर जाता है और फिर बोर्ड चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो आपका बोर्ड ऐसा ही होगा। तो और एक प्रॉब्लम होता है इस बोर्ड में, 00 कोड पे चलता है, डिस्प्ले नहीं आता है, तो फिर ये नीचे वाला जो मॉसफेट होता है उसका ही प्रॉब्लम आता है कभी कभार। और भी अलग अलग प्रॉब्लम होता है, रीजन होता है, बायस से भी, बायस रिलेटेड भी होता है, PCH रिलेटेड भी होता है, आयर रिलेटेड भी होता है, पर बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और आप धीरे धीरे काम करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये किस तरह का प्रॉब्लम है। तो मुझे तो पता चल गया, इसीलिए बस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। और पहले मैं इसे उठा के देख सकता था कि बोर्ड चलता है कि नहीं, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंट है कि ये मॉस्फेट रिमूव करने के बाद ये बोर्ड चलेगा। तो ठीक है, चलो इसे एक बार रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं ये बोर्ड का कंडीशन क्या होता है। तो ये बीच का जो मॉस्फेट है इसे हम पहले रिमूव करेंगे, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फास्ट वाला भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो देखो मैंने बीच का जो मॉस्फेट है यहाँ पर रखता हूँ, वो मैंने सिंपली जस्ट रिमूव किया है। इसे तो चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो अच्छा है, तो मैंने कर दिया। फास्ट वाला जो मॉस्फेट है उसे हाथ नहीं लगाया। तो अभी एक बार सिंपली इसे पावर देके देखेंगे और नहीं हुआ तो फास्ट वाला भी रिमूव करके देखेंगे। तो चलो पावर तो है बोर्ड में, फैन नहीं है, ठीक है, डिबग कार्ड पे देख लेते हैं। चलो ऑन करता हूँ मैं, ट्रिगर करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने कहा था एक ही मॉस्फेट रिमूव करेंगे तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी रैम का एरर है, रैम लगाऊंगा तो सॉल्व हो जाएगा। देखो ये एक ट्रिक है, आज का जो वीडियो है एक ट्रिक है, पर इसका भी बहुत सारा, इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है क्योंकि ये प्रोटेक्शन क्यों लगाया जाता है और क्यों ऐसा होता है बोर्ड में। तो ये अगर आप सिमेटिक पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने में। तो अभी देखो ये सेम, ये प्रोटेक्शन जो है, अभी मैं इसे फिर से दोबारा यहाँ पर फिक्स कर दूंगा तो भी ये बोर्ड चलेगा, क्योंकि ये एक तरह का प्रोटेक्शन होता है जो ओपन होता है, कभी कभार प्रॉब्लम करता है, क्रिएट होता है। पर इसे बिल्कुल भी दूसरी बार मत लगाया करो, आपके पास नया हो तो लगाओ यहाँ पर, ठीक है। अगर ना हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसे मत लगाओ, ठीक है। इसे आप लगाओगे तो आज चलेगा, कल चलेगा, 2 दिन बाद फिर से सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो अभी एक रैम लगाता हूँ और एक बार देख लेता हूँ कि डिस्प्ले इसका आता है कि नहीं। चलो रैम लगा दिया, अब एक बार चलाता हूँ और देखता हूँ कि इसका डिस्प्ले आता है कि नहीं। तो 5.3 मतलब डी रैम का ही रोड आ रहा है, कोई बात नहीं, रैम स्लॉट भी एक बार चेंज करके देख लेते हैं। रैम स्लॉट भी एक बार चेंज करके देख लेते हैं, फिर भी ये रैम का ही इशू आ रहा है बोर्ड में। चलो और एक रैम लगा देते हैं, कभी कभार होता है कि रैम सपोर्ट नहीं करता है बोर्ड में, हो जाता है कभी कभार ऐसा। ये फिर से रैम नहीं सपोर्ट कर रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई, क्यों हो रहा है। 20-30 चल रहा है अभी बैडमिंटन में। नहीं, ये रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलो दूसरे और एक रैम देखते हैं और
लगा के देखते हैं। सारा रैम ही सपोर्ट तो करना चाहिए था 61 में, तो ये सारा रैम करना चाहिए, पर फिर भी हाँ ये सपोर्ट कर लिया, वो वाला कर नहीं रहा था। तो अभी देखो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया, सिंपल सी प्रॉब्लम है, बस आपको सोचना है। देखो खामाखा यहाँ पर जितने भी प्रोटेक्शन है सारा हटा दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगा, पर और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बाद में। पर जिसको ज़रूरत है बस उसे ही आप रिमूव करो या फिर रिप्लेस करो, उसके आसपास जो है उसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो बहुत सारा लोग है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकंड थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं डिस्प्ले इसका आता है कि नहीं। डिस्प्ले तो आ चुका है पर बीप नहीं दिया, ठीक है बीजीए पे जाना पड़ेगा, बीजीए पे जाना पड़ेगा मुझे। मॉनिटर ऑन करता हूँ, कीबोर्ड पे देख लेता हूँ। तो हाँ डिस्प्ले आ चुका है और बीजीए भी आ चुका है, स्टैंड को उठाना पड़ेगा, देख सकते हो आप, देखो ठीक है आ चुका है, और फिर से फिक्स करना पड़ेगा स्टैंड को, बस ऐसे कर देता हूँ। तो अभी एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, ये बीप क्यों नहीं दिया पता नहीं, पर कभी कभार होता है प्रॉब्लम। यहाँ पर चला गया देख सकते हो, यहाँ पर चला गया, फिर से आ जाएगा, देखो ये अब बीप दिया, ठीक है मतलब ये आ जाएगा, ये आ गया, तो अब बीप दिया मतलब आ जाएगा। तो देखो थोड़ा सा थोड़ा बहुत समझ लो, टाइम 16 मिनट हो गया, अब ज़्यादा करूँगा तो वीडियो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो ऐसे केसेस हो तो मैंने जैसे बोला है, बस ये एक को आपको रिमूव करना है या फिर रिप्लेस करना है, ठीक है नीचे वाला को रहने दीजिए, यहाँ पर सारा जो है मत हटाओ, इससे प्रॉब्लम होता है, और आपको रिप्लेस करना है तो यही करो। मैं तो अभी रिप्लेस करूँगा, सेम है मेरे पास जो मैं लगा दूंगा और डिलीवरी कर दूंगा। तो देखो वीडियो में नया कुछ सीखने को मिला तो डू सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।